शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत पे बात सबसे पहले कर लेते हैं राजधानी जयपुर की। जयपुर की शिवदासपुरा थाना पुलिस ने एमटीएस परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी के परीक्षा देने और फर्जीवाड़े में मदद करने के मामले में विधायक ओम प्रकाश हुडला के भाई हरिओम मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कल शाम को YIT कॉलेज में एमटीएस परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने यहां पहुंचकर ऋषि कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया, जो कि सपोटरा निवासी उमेश कुमार की जगह परीक्षा देने आया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उस एग्जाम सेंटर पर पेपर दिलाने के लिए विधायक ओम प्रकाश हुडला का भाई हरिओम मीणा लेकर आया। इसके बाद पुलिस ने हरिओम मीणा को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ के मुताबिक परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले इस ग्रुप का सरगना टोडा भीम निवासी कमल कुमार मीणा है। कमल मीणा विधायक ओम प्रकाश हुडला के भाई हरिओम मीणा के जरिए डमी अभ्यर्थी बैठाता है और ये लोग प्रवेश पत्र में काट छाट करके अभ्यर्थी की फोटो की जगह नकली अभ्यर्थी की फोटो लगाते हैं। ये लोग पहले भी कई परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थी बैठा चुके हैं। पुलिस अभी गिरोह के सरगना कमल मीणा और अभ्यर्थी सपोटरा निवासी उमेश मीणा की तलाश कर रही है। इस संबंध में थाना शिवदासपुरा पर मुकदमा नंबर 463 दर्ज हुआ है। 420 467 468 71 IPC इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। अभी प्राथमिक जांच से ये बात सामने आई है कि जो ऋषि नाम का लड़का है, यह लड़का मल्टीटास्किंग जो एग्ज़ाम अभी अलग अलग स्टेजेस में चल रहा है, कुछ और एग्ज़ाम्स में भी कुछ कैंडिडेट्स की जगह अपीयर हुआ, उस संबंध में हम जानकारी ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी शरद पुरोहित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद से हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये मुन्ना भाई जो थे ये सेंटर पर पहुंचते थे और परीक्षा यहां पर दिया करते थे। शरद, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या अपडेट है? देखिए, SSC का एग्जाम था कल शाम को, जिसके अंदर MPS की परीक्षा होनी थी SSC की ओर से। उसके अंदर पुलिस को SMS थाने की ओर से सूचना मिली शिवदासपुरा पुलिस को कि वहां पे एक फर्जी अभ्यर्थी को एग्जाम दिलवाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस कॉलेज में पहुंची YIT के अंदर, लेकिन देखा कि एग्जाम चल रहा है, इस समय किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, एग्जाम के बाद में पूछताछ की जाएगी। शाम को लगभग 6:30 बजे जब एग्जाम खत्म होता है तो उसके बाद में जो जिसकी सूचना मिली थी फर्जी अभ्यर्थी के रूप में, उसको बाहर लाने के बाद में पुलिस पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है। तब सामने आता है कि जो ऋषि है वो उमेश की जगह पर एग्जाम दे रहा था। जो परमिशन लेटर था उसमें एडिटिंग करके फोटो में बदलाव किया गया था और उसके बाद में ऋषि एग्जाम देने के लिए पहुंचा था। ऋषि से जब आगे की पूछताछ की गई तो हरिओम का नाम सामने आया था कि हरिओम मीणा जो कि बाहर स्विफ्ट कार के अंदर बैठा है, वही उसको यहाँ पर लेकर आया, परीक्षा दिलवा रहा है। इस आधार पर पुलिस बाहर गई एग्जाम सेंटर से और कार में बैठे हुए हरिओम को भी उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया। दोनों से थाने पर ले जाकर पूछताछ की गई और फिर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिओम से जब आगे की पूछताछ की गई तो सामने आया कि वो कमल के कहने पर इस तरह की चीजें कर रहा था, कमल के लिए वो फर्जी अभ्यर्थियों को इस तरह से लेके आता था और दूसरे जो वास्तविक अभ्यर्थी होते थे उनकी जगह परीक्षा दिलवाता था। और उसी के आधार पर जब आगे की पूछताछ की गई तो ये भी निकलकर सामने आया कि ये पहला एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इन्होंने फर्जी अभ्यर्थी बैठाया था, इसी तरह के दूसरे एग्जाम भी है जहां पर ऋषि फर्जी अभ्यर्थी के रूप में एग्जाम पहले दे चुका है। इन सारी चीजों को लेकर के पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। आने वाले समय में हो सकता है कि जल्द और गिरफ्तारियां हो कमल की। शरद ये बताएं, शरद ये बताएं दर्शकों को, यहां पर विधायक ओम प्रकाश हुडला का नाम आ रहा है, उनके भाई हरिओम मीणा का नाम सामने आ रहा है, इनका रिएक्शन सामने आया? देखिए, अब तक वो मीडिया के सामने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर सामने नहीं आए हैं क्योंकि लगातार पहले भी वो खुद भी इस तरह के मुद्दों को उठा चुके हैं और उनका भाई अगर इस तरह की चीजें करता है, फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाता है तो ये एक सवालिया निशान लगता है। तो उन सारी चीजों को लेकर उम्मीद की जा सकती है जल्द ही सामने आएंगे ओम प्रकाश हुडला, वो इस पूरे मामले में जानकारी देंगे कि आखिर किस तरह कमल मीणा उमेश मीणा की मामले में मिला हुआ था। वही कह रही हूँ शरद की कमल मीणा उमेश मीणा की तलाश पुलिस कर रही है और अब सवाल ये रहेगा कि आखिर हरिओम मीणा जिनका नाम सामने आ रहा है आखिर उन पर कार्रवाई पुलिस की ओर से कब की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। शरद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।